सबसे पहले कि इन्होंने उर्दू पॉइंट को क्यों ट्वीट किया, कौन से नए चैनल पे जा रहे हैं। घंटे हुआ मुझे रिजाइन लिखकर दिए हुए, कॉल शुरू हो गई। मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कर बैठी हूँ, एक रिजाइन ही तो लिखा है। उर्दू पॉइंट भी इंटरेस्टेड था कि तमीना वापस आए, सैलरी का प्रॉब्लम था। उर्दू पॉइंट के बहुत से लोग इस बात के गवाह है कि मुझे उस इदारे से कॉल आती रही है जहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, अगर आप सोशल मीडिया लाइफ से वाकिफ़ हैं तो लाज़मी तमीना शेख साहिबा से ही वाकिफ़ होंगे, क्योंकि जब भी क्राइम का जिक्र होता है तो इनका नाम सर फेड्स आता है। आज सबसे अहम खबर है, इन्होंने वो चैनल छोड़ दिया है जहाँ पर हम इनको ढूंढते थे, सर्च करते थे। तो इनसे पूछेंगे सबसे पहले कि इन्होंने उर्दू पॉइंट को क्यों ट्वीट किया है, वो कौन से नए चैनल पर जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैडम, जिस इदारे में आप गली गली में पहुँच गई थी, मोहल्ले मोहल्ले में की थी, वो दारा ही आपने छोड़ दिया, क्या वजह बनी? वजह कोई नहीं थी इर्तज़ा, काफी अरसे से उर्दू पॉइंट पे 2.5 साल हो गए तकरीबन, और काफी काम किया। काम करने के एक साल के बाद जब उर्दू पॉइंट को ज्वाइन किया था, उसके एक साल के बाद ऑफर्स आती थी मुख्तलिफ जगहों से आती थी, लेकिन मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर होता था कि नहीं, उर्दू पॉइंट को मैंने नहीं छोड़ना, उर्दू पॉइंट जो है वो मेरा फैमिली है, मेरी फैमिली है। और फिर अब 2.5 साल हो गए थे तो मैंने ये सोचा कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। अब तमाम ऑफर्स को तो हम करते रहे हैं रिफ्यूज़, लेकिन अब मुझे चेंज करना चाहिए, तो फिर मैंने स्विच किया है। मैंने किसी क्रिमिनल की वजह से नहीं छोड़ दिया कि आपको थ्रेट मिले होंगे, तमीना ये काम छोड़ दें आप, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी वजह से आपने कहा ये मैं अपना डिपार्टमेंट ही छोड़ दूँ ये वाला? अल्लाह करे किसी दिन कोई करे सही। मैंने लोग जो हैं अपना सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम से आप आजकल जो हैं जितने भी फनकार आदमी आर्टिस्ट हैं वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग टीवी बहुत कम चलाते हैं, मोबाइल पे हर चीज़ देख रही। आप जो है सोशल मीडिया से दोबारा मेन स्ट्रीम की तरफ जा रही हैं, क्या वजह है? मैं मेन स्ट्रीम पर काम करती रही पिछले 5 साल, और फिर उसके बाद मुझे उर्दू पॉइंट पर जाने का शौक़ हुआ कि मुझे जाना चाहिए, और मैं गई उर्दू पॉइंट पर, मैंने इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू था मेरा ओनली 2 मिनट्स का। उन्होंने कहा कि जी आपने ज्वाइनिंग कब से देनी है, मैंने कहा जी जब आप कहें, तो उन्होंने कहा बस ठीक है आपकी ज्वाइनिंग है, और फिर मैंने उर्दू पॉइंट को ज्वाइन कर लिया और इस तरह काम करती रही एक अर्सा, और अब आके उसको स्विच किया है। तो अब वापस चूँकि मेरा मिजाज टीवी चैनल वाला था, 4-5 साल मैंने टीवी चैनल पर काम किया और फिर उर्दू पॉइंट को ज्वाइन किया, और मिजाज जो है वो वापस, मैंने कहा जरा मूड स्विंग्स जो है उसको चेंज करना चाहिए, और फिर वापसी जो मेन स्ट्रीम नेशनल टीवी चैनल हैं उसकी तरफ से काफ़ी सारी ऑफर्स आई। जब उर्दू पॉइंट पर एक रिज़ाइन लिख कर दिया तो उसके ठीक घंटे के बाद मुझे कॉल्स का सिलसिला जो है उसका स्टार्ट हो गया था, कहाँ आना है ये वो इस तरह से। तो मैंने कहा जी मैं मेंटली तौर पे जरा 2-3 दिन रिलैक्स करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट चैनल को ज्वाइनिंग देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, वो कहते हैं ना कि एक निकाह पे साइन करते वक्त आपके हाथ थरथराते हैं और एक डिज़ाइन पे करते हुए, तो इस मौके पे आप ठीक थी, प्रॉपर थी, या आपने काफ़ी देर पहले ये फैसला कर लिया था मैंने इस दिन जाकर डिज़ाइन कर लेना? मैं जिस दिन फैसला कर लेती हूँ फिर मैं कहती हूँ मैंने ये काम करना है, जब सुबह मैं घर से निकलती हूँ और मैं कहती हूँ कि आज मैंने क्राइम का ये शो करना है तो फिर मैंने करना है। आप सोशल मीडिया से पहले आपका जो मेन स्ट्रीम में करियर कितने साल का रहा है? वो 5 साल का। और 2.5 साल आपने सोशल मीडिया पर भी किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी जो फेस वैल्यू बनी है, लोगों ने आपका पहचाना है, कहाँ पर पहचाना है? वो तो अल्लाह ने बनाई है। नहीं मतलब क्या होता है ना एक बंदे का, माशाल्लाह आपने मेन स्ट्रीम में, क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरे हिसाब से कि आपको लोग ज़्यादा पहचान दें। बिल्कुल, 5 साल जब मैंने टीवी चैनल्स पर काम किया तो मेरी पहचान इतनी नहीं थी जितनी मेरी उर्दू पॉइंट पर आकर बनी। उर्दू पॉइंट एक बहुत अच्छा इदारा है, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, लेकिन हर इदारे में तमाम लोग अच्छे नहीं होते, यह हर इदारे की एग्जांपल है। हम किसी भी इदारे को खोल लें, हम नहीं कहेंगे कि यहाँ के 10 लोग फरिश्ता हैं और 10 ही काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो फिर इसी तरह से वही मिसाल उर्दू पॉइंट के लिए भी है। तो उर्दू पॉइंट के ऑनर और उर्दू पॉइंट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बेशक ऐसे ही है, लेकिन आपने अपने 2.5 साल करीब बेशुमार वीडियोस की हैं जिसमें आप ज़्यादातर क्राइम तो पड़ी हैं, तो कौन सी एक वीडियो आपकी नज़र में ऐसी थी जिसमें आपने वो की और सुबह आपको हर जगह से फ़ोन आना शुरू हो गया, तहमीना यू आर वंडरफुल, क्या काम किया, कोई एक वीडियो आपकी पहचान बनती है, उसके बाद तो आपकी एक CV स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है? इर्तज़ा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैंने प्रोग्राम्स किए उर्दू पॉइंट पे डेली बेसिस पर, एक प्रोग्राम मैं करती थी जो कि करना बहुत मुश्किल है। जब मैं किसी को बताती थी कि मैं डेली एक प्रोग्राम करती हूँ तो बड़े हैरान होते थे, वाकई तुम मैनेज कर लेती हो? मैंने कहा यस मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें लोगों की कॉल्स आई, लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा था जो कि शुमाइला नामी लड़की का था, हरबंसपुरा की, वो रिहायशी थी, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया। किसी ने मुझे अप्रोच किया था दुबई से और उन्होंने कहा कि तहमीना आपने ना, ये खातून है, बच्ची है सॉरी,
आप इसको जाके चेक करेंगे, एक बैठक में रहती है, गरीब है, इसके शौहर ने इस बात पर इसके साथ बहुत कुछ किया है कि तुमने बेटी पैदा क्यों की है, तो ज्यादती हो रही है, प्याज के साथ रोटी खाती है, 2 साल से उल्टी लेटी हुई है और कमर में जख्म है और वो जख्म इतना बड़ा हो गया है कि इतना इतना उसमें गैप आ गया। अब उसके पास ना इलाज के पैसे हैं, ना खाना खाने के पैसे हैं, माँ बाप पहले कमजोर थे, उन्होंने घर से निकाल दिया और शौहर अपनाने को तैयार नहीं। बहुत दुख हुआ कॉल सुन के, मैंने कहा शायद फेक कॉल है, चलो एक दफा मुझे जाना चाहिए क्योंकि अक्सर फेक कॉल्स भी आ रही है। बिल्कुल। मैं गई इर्तिजा, मैंने जाकर चेक किया तो जो कुछ मुझे कॉल पे बताया गया था वो सब बिल्कुल ठीक बताया गया था। फिर मैंने उनके साथ प्रोग्राम किया और प्रोग्राम करने के बाद अल्लाह ताला ने उस बच्ची की सुनी, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, बहुत कुछ उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आई, फिर वो अपनी बच्ची को गले भी लगाने लगी, उसको ऑटोमेटिक बेड भी दिया गया, बहुत से लोगों ने मुखय्यर हजरात ने उसकी मदद की और अभी भी मेरी उससे फ़ोन पर बात होती है, मुझे कहती है आपने नहीं आना मुझे मिलने, मैं कहती हूँ अच्छा कल आऊँगी परसों आऊँगी, तो फिर कहीं 8-10 दिन में एक आध दफ़ा चक्कर लगा लेती है। मैडम हर इदारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स काम करते हैं एक ही इदारे में, माशाल्लाह उर्दू पॉइंट में समझ लगा कि पूरी प्रॉपर टीम है उनकी, लेकिन हम जब भी उर्दू पॉइंट का पेज स्क्रॉल करते हैं तो आपकी वीडियो हर दूसरे या तीसरे नंबर पे होती है। ये इतना काम अपने आप शौक से करती थी या आपको भी ऑर्डर होता है तहमीना आपने लाजमी इतना काम करना है? ऑर्डर तो होता है, जब आप कहीं भी काम करते हैं तो ऑर्डर तो होता है कि वेयर इज़ योर स्टोरी, आज की स्टोरी कहाँ है, क्यों नहीं है, किधर है, ये तो होता है हर इदारे में होता है, लेकिन मुझे शौक बहुत है काम करने का। मुझे शौक इस हद तक है कि जिस दिन मैं काम ना करूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं दुनियादारी से हर चीज़ से फारिग हो गई हूं और अब पता नहीं सुबह होगी कि नहीं होगी, ये मेरी पर्सनली नेचर है, काम करना है मैंने। तभी 3-4 दिन आपने जैसे बताया कि आपने क्विट किया, कितने दिनों में क्विट किया उर्दू पॉइंट आपने? 4 डेज। इन 4 डेज में तो कैसी जिंदगी रही आपकी कि कुछ काम आपने नहीं किया, घर में टाइम गुजारा, घर में खुलजली कुछ होता है, खुलबली टाइप होती है कि यार मैं फ्री रही हूँ 4 दिन, घर वालों ने कहा कि तमीना हमारे पास वापस आ गई है लेकिन उन चारों का ख्वाब 4 दिन में चकना चूर हो गया जब नई कॉल आई। तो आपने जब क्विट किया, रिजाइन किया, तो उसके बाद आपको जॉब ढूंढने में डिफिकल्टीज हुई या खुद ही आपको कॉल्स पे कॉल आना शुरू हो गई? नहीं, मैंने तो जॉब ढूंढी नहीं, मेरे अल्लाह का इतना खसूसी करम हुआ कि जब मैंने 1 घंटे हुआ मुझे रिजाइन लिखकर दिए हुए और 1 घंटे के बाद कॉल्स का 1 घंटे का टाइम, सिर्फ 1 घंटे, हाँ, घर नहीं पहुंची थी, गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो कॉल शुरू हो गई थी, तो इतनी सारी कॉल्स थी, मैंने कहा मैं तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं क्या क्या कर बैठी हूँ, एक रिजाइन ही तो लिखा है और उर्दू पॉइंट भी इंटरेस्टेड था कि तमीना वापस आए, ऐसा नहीं है कि उर्दू पॉइंट मेरे से नाला था या मैं उनसे नाला थी, लेकिन मैंने कहा गिव मी टाइम। अभी आपने फिर ब्रेक ली हुई है उर्दू पॉइंट वालों से? नहीं, ब्रेक नहीं लिया, स्विच कर दिया, टोटली स्विच कर दिया, अपना आपने पूरा रुख ही चेंज कर दिया। तो मैडम क्या कुछ इसमें कुछ आपकी कुछ सैलरी का प्रॉब्लम था या वैसे जस्ट आपने, वो तो कई लोग होते हैं ना कि इतना अप्रोच अच्छी मिलती है सैलरी की, अच्छा कोई डेजिग्नेशन मिलता है तो इंसान अप्रोच कर लेता है, तो क्या वजह बनी? उर्दू पॉइंट्स के बहुत से लोग इस बात के गवाह हैं कि मुझे उस इदारे से कॉल आती रही है जहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं और मैंने उनको ये जवाब दिया था, लोग तरसते हैं, मैं फिर से अगेन कह रही हूँ, और मैंने ये जवाब उनको दिया था कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती क्योंकि उर्दू पॉइंट मेरा घर है, मुझे उर्दू पॉइंट में रहना है, इस बात के गवाह हैं लोग, मैं वो बात नहीं करती जो हवा में तीर मारे जाते हैं, मैं वो बात नहीं करती। उर्दू पॉइंट वाले तो हर किसी को अपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं जो भी इनका एक प्रोसीजर है, तो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया इनके साथ या मिड एंड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपने उनके करियर रिलेशन खत्म कर दिया उनके साथ? नहीं, मैंने खुद स्विच किया है, मैंने खुद रिजाइन दिया है और रिजाइन देने का मतलब होता है कि नो मोर, अब मजीद वो चाह नहीं रहा वहाँ पे, तो मैंने खुद लिख कर रिजाइन दिया। अब आप जिस नए इदारे में जा रही है वहाँ पे भी आपका जो किरदार है जो आपका वहाँ पे आप करेंगी वो सेम यही है जो यहाँ पे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वहाँ पे डिफरेंट होगा? ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि मेन स्ट्रीम में तो आप ये करती नहीं थी बिल्कुल, यहाँ पे तो आप एक नई बनी, दोबारा आप जा रही, तो सेम यही होगा? बिल्कुल सेम यही है। और उन्होंने कहा कि मैडम जैसे आप काम कर रही हैं इसी तरह से आप काम करें, आप ये बताएं आपकी डिमांड क्या है, तो मैं क्या बताऊँ आपको।